दोस्तों आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं आप सभी से, वो मुद्दा काफी सीरियस है, सीरियस भी है, काफी सोचनीय और काफी टेंशन देने वाला मुद्दा भी है, क्योंकि अपने देश में लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी सेटिंग से कोई डिग्री ले ली है। कोई भी डिग्री ले ली, उस वक्त उसकी वो मजबूरी थी, डिग्री उसके पास थी नहीं, किसी ने प्रलोभन दिया कि मैं डिग्री करवा दूंगा, या फिर यूनिवर्सिटी ने प्रलोभन दिया कि मैं ऐसे सिस्टम से आपकी मतलब डिग्री आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग, डिग्री आप लोगों ने ले ली। पर क्योंकि मिली भगत में 120B के तहत जो IPC बोलता है उसके तहत दोषी तो आप भी हो, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों से ये पूछ लेते हैं जब आपको अपनी डिग्री को वेरिफिकेशन करवाना होता है कि उनका कोई जवाब आपके पास है ही नहीं। जब इन्होंने वो डिग्री बेची थी, मैं बेचना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैसे लेकर ही, पैसे के एवज में ही इन्होंने वो डिग्री आपको दी। जब इन्होंने वो डिग्री आपको दी थी तब तो इतनी इजी सिस्टम से आप तक वो डिग्री पहुंच गई, पर आने के बाद में आपकी समस्याएं बढ़ गई जब उस डिग्री को वेरीफाई कराने का नंबर आया। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं वेरीफाई कराने के, पर प्रॉब्लम क्या है, वैस ये लोग नहीं करते, वैस में आपको समस्या करेंगे। डिग्री लेने गए तो फीस बढ़ा दी, डबल ट्रिपल आपसे ये फीस मांग रहे हैं। आप जब पहुंचे यूनिवर्सिटी के पास खुद फिजिकली वेरीफाई कराने, तो बोलते हैं जी हमें एडमिट कार्ड दे दो, हमको आप लाइब्रेरी कार्ड दिखा दो, अपने टीचर्स के नाम बता दो, ये भी आपके पास नहीं पता। डिपार्टमेंटल कोई वेरिफिकेशन अगर पहुंच गई किसी गवर्नमेंट जॉब की, 1-2 लाख रुपए आपसे डिमांड करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों आप लोगों के साथ में होती है। इन सभी प्रॉब्लम्स पे आज मैं बात करूंगा अपने इस वीडियो में। इस पूरी वीडियो को आप देख लेंगे, सारे तरह के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर ऐसी कोई डिग्री आपके किसी सगे संबंधी जानकार ने भी ली है तो उसको बताना, कम से कम इन प्रॉब्लम से वो कैसे निकल पाएगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए ये बैकडेट टाइप की डिग्रियों के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि बैकडेट डिग्री का सिस्टम चलता ही कैसे है, मतलब कैसे आप तक वो डिग्री पहुंची। एक स्टूडेंट है जिसको जरूरत है डिग्री लेने की, मतलब मान लीजिए उसने अपनी जो भी कोई उसने क्वालिफिकेशन ली, 10th की या ग्रेजुएशन की, अब उसमें गैप आ गया, कहीं प्राइवेट नौकरी वो कर रहे हैं, एकदम से वहां पर जरूरत फील होती है कि मुझे MBA करनी चाहिए। अब वहां पर वो शॉर्टकट में MBA करने के लिए उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब एकदम से आ गई PGDCA पर, BEd पर, DEd पर, तो स्टूडेंट के पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो वो बैकडेट की डिग्री ले लेता है। बैकडेट की डिग्री लेने से शुरुआत होती है आपकी समस्याओं की। आपकी समस्याओं की मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सहूलियत आपको मिलेगी, काफी लोग पार हो भी जाएं, बट दिल में हमेशा कोई ना कोई डर लगा ही रहता है। लंगड़े घोड़े पर दाव लगाने से कुछ होता नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री ले ली, अब आप गए यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री को वेरीफाई कराने के लिए, तो वेरिफिकेशन के नाम पर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लोग आपसे मांगते हैं। चलो वेरिफिकेशन के लेटर मंगाने के लिए इतना पैसा आप दे भी दोगे, अब आपने बोला डिग्री चाहिए, तो